और आजकल मैं देख रही हूं कि लोगों के चुने गए वो प्रधानमंत्री पश्चिम में जगह जगह रैली कर रहे हैं और हमारे स्वर्गीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले रहे हैं। आपने सुना है ना, अब उन्हें महापुरुष कहकर उनको याद करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं, आपको याद होगा 14 में जब हम चुनाव हारे थे तो चौधरी साहब के उस मकान को हड़पने की कैसी होड़ मच गई थी इनके नेताओं में, याद है ना। पूरे क्षेत्र के हर गांव का हर किसान जानता है कि दिल्ली में वो ही उसका एक ऐसा ठिकाना है, जब कभी भी किसी भी समय वो आकर वहां आराम से अपनी बात रख सकता है। सब जानते थे कि वही एक ऐसी जगह थी जिसके दरवाजे क्षेत्र के किसान के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। ठीक कह रहे हो ना, लेकिन उनको ये बात पची नहीं। श्राद्ध के दिन थे फिर भी उन्होंने हमें वहां से इतना अपमानित कर निकाला था। ऐसा अपमान, इस तरह का व्यवहार दिल्ली में और किसी नेता के साथ नहीं किया था जिस तरह का उन्होंने आपके चौधरी अजीत सिंह जी के साथ किया था। और मैं आपको बता दूं, 5 हो गए इस सरकार को, जिन चौधरी चरण सिंह जी को आज वो भाषणों में वोटों के लिए याद कर रहे हैं, बीते 5 में 29 मई में या 23 दिसंबर में किसी भी साल इनकी तरफ से कोई भी 5 के लिए भी किसान घाट में चौधरी साहब को याद करने के लिए नहीं आया था, नहीं आया था। और भी सरकारें आई हैं, गई हैं, हमेशा किसानों की भावनाओं को मन में रखते हुए वो जरूर किसान घाट पे आते थे, लेकिन ये ऐसी सरकार थी जिनमें किसी के पास हमारे लिए कोई वक्त नहीं था। पिछली 2 अक्टूबर को भी आपने देखा था, आप अपनी परेशानियों को लेकर दिल्ली आए थे किसान घाट में, तो यही सरकार थी जिसने आप पर लाठियां बरसाई थी, गोलियां बरसाई थी, और तब भी आपके साथ इनका कोई प्रतिनिधि, कोई मंत्री साथ नहीं खड़ा हुआ था, सिर्फ चौधरी अजीत सिंह जी ही खड़े हुए थे। आपसे बस इतना ही, बात सिर्फ जिताने की नहीं है, बात सिर्फ जिताने की नहीं है, बात अपने खोए हुए सम्मान को वापस लाने की है। अब की जब आप चौधरी साहब को जिताकर भेजोगे दिल्ली में, तो आप अपनी आवाज फिर से दिल्ली में बुलंद करोगे। चारू चौधरी, मैंने सुना टीवी पे क्या बयान दिए गए, मैं आपसे सीधा इतना पूछना चाहती हूँ, इस परिवार में कभी किसी ने आपका कभी भी अपमान किया है? तो समझा देना इन्हें कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, समझा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार अगर आपने बुलंदी से चौधरी साहब को दिल्ली भेजने का काम किया, तो जिस तरह पहले आपकी राजनीति दिल्ली में बुलंदी से चल रही थी, फिर से चौधरी साहब और जैन जी आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे।